हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को फाउंडर सीईओ ऑफ स्किल का। और आज हम लोग क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट अडॉप्शन के बारे में। तो प्रोडक्ट अडॉप्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो जो भी लोग अगर अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और वो प्रोडक्ट अपना कुछ लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और खासकर जो मार्केटिंग फील्ड में, मार्केटिंग से क्या सेंस बनाता है प्रोडक्ट अडॉप्शन से, क्या क्या सेंस आता है मार्केटिंग से, वो सीखने के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो की थी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है और उसका टाइटल था कि व्हाट इज एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आप जैसे कि स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि कैसे उसको खोज सकते हैं, आप सर्च कीजिए एमवीपी अपस्किल यूट्यूब के अंदर में, UPP है याद रखिएगा, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इसको पहले आप देख के और उसके बाद इसके वीडियो को देखिएगा तो सेंस ज्यादा बनेगा आपको। तो मैं शुरू करता हूं। तो प्रोडक्ट अडॉप्शन क्या होता है, जब भी एक ब्रांड या कोई भी कंपनी जो होती है एक प्रोडक्ट को लेके आती है, राइट, मार्केट में लेके आती है, तो उसके पास कोई कस्टमर नहीं होता। इनिशियली कोई भी कस्टमर नहीं होता है, कोई भी कितने ही बड़े प्रोडक्ट आ जाए, अमेज़न भी लॉन्च करते हैं तो इनिशियली नहीं होता है, राइट। बहुत ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है क्या चीज है क्या नहीं चीज है, वो सारी चीजें इसमें होती है, राइट। नाउ एक प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करता है, एक प्रोडक्ट लोग इसलिए लॉन्च करता है कि उसके थ्रू लोगों का हेल्प करे, लोगों को कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसके उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिले। यही एक रीजन होता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। प्रोडक्ट की मींस की बात करें तो जैसे कि स्विगी का ऐप हो गया, ओयो का ऐप हो गया, राइट, तो कोई ई कॉमर्स पोर्टल हो गया या कोई और पोर्टल हो गया, जोमैटो का हो गया, ये सब सारे के सारे प्रोडक्ट, तुम्हारे ओला उबर हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, ये सर्विस नहीं है, ये बेसिकली आप ऐप से बुक करते हो। लेकिन जब भी ये नई कंपनी आई होगी तो इनको नया कस्टमर को अडॉप्ट करने में बड़ा परेशानी हुआ होगा ना, तो उसी के लिए हम लोग उसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं। क्यों, जब कोई भी नई कंपनी आती है तो वो क्या होता है कि वो किसी ना किसी चीज को चैलेंज करती है, किसी ना किसी चीज को, प्रॉब्लम को चैलेंज करती है। और बेसिकली वो क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका बाइंग बिहेवियर बदले। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब गाड़ियां चलती थी नॉर्मली, हम लोग बोलते ऑटो वाला आओ, ऑटो वाले आते थे और उसे हम लोग पकड़ के जाते थे। उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, चैलेंज करने के लिए उबर ने अपना लॉन्च किया, और उबर के बाद में बहुत सारी कंपनीज ने अपना लॉन्च किया, टैक्सी ऐप को लॉन्च किया। सेम विद ओयोरूम, पहले booking.com था और आज भी है, पहले भी booking.com के अंदर से होटल बुक होते थे और आज भी होते हैं, राइट। तो ओयो ने क्या कर दिया कि ओयो ने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी थिंकिंग चेंज कर दी कि देखो भाई, हम बेटर तरीके से आपको कैटर कर सकते हैं, आप हमको लीजिए, राइट। कैसे क्या, मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में जाइएगा, जो एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट अडॉप्शन का जो चैप्टर होता है, मैंने एमबीए नहीं किया बट आई स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग एंड आई यूज अ लॉट ऑफ थिंग, आई लर्न फ्रॉम यू नो दैट रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड आई डिड वर्क विद फॉर्चुनेटली मेनी प्रोडक्ट कंपनी एज वेल। सो कोई भी नया प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने का अगर रीजन क्या होता है, हम लोग वो जानते हैं, और उसके बाद हम लोग जानते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। तो मार्केटिंग के हिसाब से पहले प्रोसेस की बात करें तो 5 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है इवोल्यूशन, चौथा होता है ट्राई, तो पांचवा होता है अडॉप्शन, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला जो फेज होता है किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए, नया जनता अडॉप्ट करेगी मतलब कि उसको पहचानेगी, राइट, तो उसका सबसे पहला होता है अवेयरनेस। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आता है उसको सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाता है, उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैला, अच्छा देखो ये मेरा आया, ये मेरा प्रोडक्ट आया, राइट। अच्छा, जैसे जोमेटो का गोल्ड आया था, तो जोमेटो गोल्ड ने पहले क्या किया कि ऑफर निकालना चालू किया, एडवर्टीजमेंट एकदम जोमेटो गोल्ड का मारना चालू किया, हालांकि पास हुआ फेल हुआ नो वन नोज, राइट, बट क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने स्टेज में ये किया था कि लोगों को जितना अवेयर करा सकते हैं, सेलिब्रिटीज को बुला बुला के जोमेटो गोल्ड के थ्रू उन्होंने करवाया, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर घुस रहे हैं तो ऊपर में जोमेटो गोल्ड का आ रहा है कि ये करोगे तो ये तुमको फायदा होगा, ये तुमको फायदा होगा, अपने ही प्रोडक्ट से बेटर उस प्रोडक्ट को दिखा रहे कि थोड़ा पैसा लगाओ तो तुम्हारे पास में ये तुमको फायदा मिल सकता है, राइट। नाउ अगर प्रोडक्ट को अवेयरनेस फैलाते हैं, बताते हैं ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों को पता चलता है ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बाद दूसरा स्टेज क्या होता है, लोग उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। हो सकता है 1000 लोगों को आपने एडवर्टीजमेंट दिखाया, 1,00,000 लोगों को दिखाया, आपने एडवर्टीजमेंट देखा, उसमें से 5%, 10%, 20% ही आपको इंटरेस्ट दिखाएं,
तो ये भी अवेयरनेस स्टेज का पार्ट ही होता है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, लोग बोलते हैं कि अच्छा इसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज होता है, इंटरेस्ट फेज में होता है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन फेज होता है। तो इवोल्यूशन फेज बेसिकली क्या करते हैं, अब जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी गैदर करना चालू करता है, क्या करता है, यूट्यूब में वीडियो देखता है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, ब्लॉगर के ब्लॉग पढ़ता है, सोशल मीडिया में पूछता है क्वेश्चन, सोशल मीडिया में देखता है, कोरा में देखता है क्वेश्चन, राइट, अगर डिजिटल की बात करें तो बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि ये प्रोडक्ट हमको यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे लिए जो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। तो इवोल्यूशन फेज जब पार होता है तो उसके बाद ट्रायल फेज आता है। तो बेसिकली बोलता है कि इसको हम थोड़ा सा ट्रायल करके देखें, राइट, तो उसको हम थोड़ा सा ट्रायल करके देखें और उसके बाद वो ट्राई करता है, उसके बाद में अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उसके बाद में वो करता है। नाउ यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यही रीजन है, ट्रायल फेज वाला जो रीजन मैं बता रहा हूं, जैसे कि ग्रोफर है, तो ग्रोफर में पहली दफा अगर आप फर्स्ट टाइम परचेसर हो, कोई भी 25 खरीदे तो 50% डिस्काउंट देता है आपको, राइट, क्योंकि वो आपको अडॉप्ट कराना चाहता है। बहुत सारे ऐप हैं जो फर्स्ट टाइम यूजर को, जो पहला यूजर होगा उसको वो क्या करेंगे कि भैया उसको बहुत ऑफर देंगे, जो पहला वाला यूजर, क्योंकि वो उसको ऑनबोर्ड प्रोडक्ट अडॉप्ट करके आदत दिलाना चाहता है, ऑनबोर्ड करना चाहता है, फर्स्ट टाइम यूजर का ऑफर बहुत आता है। इसका यही है क्योंकि जो ट्रायल फेज के यूजर है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, वो पूरा छन गया है ऊपर से अवेयरनेस स्टेज से, इंटरेस्ट स्टेज से, इवोल्यूशन स्टेज से, इन सबसे छन के ट्रायल में आए, ये इनके सबसे ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर है। तो इनको थोड़ा सा पैसा वैसा दे के, उनको थोड़ा सा ऑफर ऑफर दे के ये इनको अपने इसमें खींचना चाहता है, और यहीं पर पैसा बर्न होता है, यहीं पर स्टार्टअप डूबते हैं, यहीं पर स्टार्टअप खड़े होते हैं, सारी चीज यहीं पर होता है। सो ट्रायल फेज के अंदर में क्या होता है कि लोग ट्रायल फेज जब ट्रायल कर लेते हैं तो उसके बाद में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपको ट्रायल अच्छा लगा, जैसे कि अपने मैंने पहले ट्रेडिशनल तरीके से सब्जी खरीदा था, राइट, ग्रोफर आया बोला कि भाई ट्रायल करो, तुमको जो बाहर सब्जी मिलती है उसी रेट में हम देंगे, उससे कम रेट में देंगे, प्लस 50% डिस्काउंट देंगे पहले दफा करोगे तो, और तुमको कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, ग्रेट, मतलब कि जितना भी मेरा जो प्रॉब्लम है, बाहर जाना, थकना, रेट बार्गेन करना, सारा प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर अपने हिसाब से कर दिया, ग्रेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट दिया मेरे को, और तो और जब मैं उसको यूज करना चाह रहा हूं तो मेरे को जो सब्जी मेरे को फायदा करा रहा है, 50% डिस्काउंट देके मेरे को फायदा करा रहा है, तो मैं उससे ज्यादा स्टिक होने का मेरा चांस रहता है रहने का। और इसी प्रोसेस को, इसी साइकोलॉजी को हर प्रोडक्ट की कंपनी यूज करती है। तो अब ट्रायल फेज जब खत्म हो जाता है तो एडॉप्शन फेज आता है, यहां पर अडॉप्ट लोग करना चालू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दिमाग में क्लियर होगा कि एक प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं, अब लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में अगले दिन बोला रहे इसमें तो हम सेल जनरेट करें, ना उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, ना उन्होंने ये अंदर कुछ ऐसा मैग्नेटिक चीज नहीं दिया जिसकी वजह से लोग खुद खरीदना चाहे, उनको सेल चाहिए, उनको मार्केटिंग टीम से सेल चाहिए। लेकिन देखिए मार्केटिंग जो होता है ना, मार्केटिंग इज लाइक बिल्डिंग अ मसल, मसल बनाने में एकदम परफेक्ट खाना चाहिए, परफेक्ट एक्सरसाइज चाहिए, मार्केटिंग में वही चीज चाहिए, परफेक्ट खुराक चाहिए और परफेक्ट उसको एक्सरसाइज चाहिए, उसके बाद ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने एक्सरसाइज किया, कल आपका सिक्स पैक निकल जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। वैसे मार्केटिंग भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बहुत हार्ड वर्क का काम होता है मार्केटिंग, राइट। नाउ हम लोग बात करते हैं कि लोग को क्या इन्फ्लुएंस करता है एडॉप्ट करने में, नया प्रोडक्ट एडॉप्ट करने में, ठीक है। नाउ पहला पॉइंट कि अगर कोई एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और आप दूसरा प्रोडक्ट लेके आए हो तो उस प्रोडक्ट का फ्लॉ बताते हो, ऑफकोर्स उसका नाम लेके फ्लॉ नहीं बताते हो बट आप उसका फ्लॉ बताते हो, तो कंपैरिजन लोगों को बहुत समझ में आता है, तो उसके बाद करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं बाबा रामदेव, जैसे बाबा रामदेव का जब तेल आया, जब ऑयल आया, राइट, तो उस टाइम में उन्होंने क्या बोला कि बाकी जो ऑयल है वो अपने इसमें पाम ऑयल मिलाते हैं और मैं जो हूं, हमारा जो पतंजलि का जो है वो प्योर है, वो प्योर है, राइट। तो इन्होंने क्या कर दिया, दूसरे के फ्लॉ दिखा दिया और अपने आपको प्योर बता के ऊपर दिखा दिया। तो इनका प्रोडक्ट अडॉप्शन को ये पुश कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, ग्रेट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट अडॉप्शन करने का, राइट। दूसरा, अपने प्रोडक्ट में इतना मैग्नेटिज्म लेके आओ ना कि लोगों को लगे यार सामने वाला तो कुछ ऐसा दे नहीं रहा है, राइट, कि ये जो मेरे को दे रहा है ना उसके तरफ खींचा चले आए। तो जैसे ओयो रूम ने चालू किया था 999 के अंदर में रूम चालू किया था, तो 999 जो नंबर है वो 1000 से कम, तो 3 डिजिट में दिखाई देता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि 999 ₹1000 के अंदर में होटल, ये बहुत ही सस्ता होटल लोगों को लगता है करने के लिए, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि एक अपना मैग्नेट ही बना दिया, 999 वाला जो ऑफर है ना उसको एक मैग्नेट ही बना दिया, उसको एकदम चुंबक बना दिया और उसी के ऊपर में लोगों ने लोग इसके पास आए, ऑनबोर्ड किए, उसके बाद ओयो ने बहुत सारा फीचर लेके आया, कपल फ्री कर दिया, जो लोगों को चाहिए उस हिसाब से उसने किया, राइट। तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिज्म, अब ये कपल फ्री वाला इन्होंने रखा हुआ है और दूसरे होटल वाले नहीं, दूसरे ऐप ने नहीं दे रहे हैं, तो यहां पे मैग्नेटिज्म हो गया ना, राइट। अगर दूसरे वाला दे रहे हैं तो शायद उनसे ज्यादा बेटर सर्विस है। तीसरा है,
कि लोगों के अंदर इस डर को चेंज करना कि भैया आप मेरा प्रोडक्ट को अडॉप्ट करोगे अगर तो आपको आपके पीस कुछ खराब होगा, क्योंकि लोग हो जाते हैं कंफर्टेबल, लोगों को लगता है कि यार पहले से जो यूज करे ठीक है, इसमें थोड़ा फ्लॉ ही है तो क्या हुआ। दूसरा अडॉप्ट वो नहीं करते हैं जब उनको इस बात का डर लगता है कि भाई हम नया यूज करें कहीं मेरा भट्टा ना बैठ जाए। तो वो डर आप कैसे मिटा सकते हो? वो डर आप ऐसे मिटा सकते हो कि आप प्रोडक्ट यूज करो, कैशबैक गारंटी है, सॉफ्टवेयर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें यही होता है 10 डेज गारंटी है, ट्रायल पीरियड करवा दो, आपके रियल नो क्वेश्चन आस्क मनी बैक गारंटी, अगर आपको खराब सर्विस मिले होटल वगैरह है तो उसके बारे में ये लोग ये बात करते हैं। तो ये इनका क्या चीज है नाउ, इसका ये तीसरा पॉइंट है कि जिससे आप प्रोडक्ट का एडम्पशन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि लोगों के अंदर ये डर खत्म कर दो कि उनका पैसा फंसेगा नहीं, उनका पैसा अगर फंसेगा तो उनको वापस मिल जाएगा। चौथा पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो सामने वाले प्रोडक्ट से बड़ा प्यार करता है कि यार ये बहुत अच्छा टाटा का नमक है और टाटा का नमक के अलावा मैं कोई नमक आ जाए नहीं लूंगा। तो वो क्या होता है बेसिकली ब्रांड से प्यार होता है। वो प्यार हटाने के लिए अगेन आपका जो सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट मैग्नेटिज्म वही काम करता है और वो फ्लॉ दिखा के और ये दिखा के आपको बेटर आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो बताता है, राइट। तो यहां तक समझ में आया कि चार जो तरीके हैं उससे हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोडक्ट अडॉप्शन को। प्रोडक्ट अडॉप्शन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये चीज समझ में आएगी, राइट। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद और भी लोग करते हैं क्या क्या काम करते हैं भाई, तो ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। नाउ प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट को लोग अगर यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है ना कि भगवान ने ऐसे करके दिमाग दे दिया और उसके बाद उनको आ गया आइडिया, ऐसा तो नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है और उसको बहुत ही ईजी बनाते हैं प्रोडक्ट को कि बच्चा भी यूज कर सकता है। जैसे ओयो रूम है, सिंपल सिंपल उसके इसमें सर्च करो, रूम सेलेक्ट करो, पैसा पे करो, निकल जाओ, राइट। एकदम फ्लॉलेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो होता है, नए यूजर भी आएंगे तो उसमें उनका हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको करते हैं। नाउ बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जब आप पहली दफा जाइएगा तो उसमें लिखेगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला पार्ट ये करता है, ये वाला पार्ट ये करता है, ये वाला पार्ट ये करता है, इसको क्लिक करोगे तो फिल्टर हो जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट में आप ये चीज देखोगे, ये भी प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस का एक यूआई का यूएक्स का हैक है जो लोग यूज करते हैं। नाउ दूसरा चीज क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, अपना प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो ऐप हुआ करता था इसका उबर का, राइट, वो ऐप आज नहीं है, वो अलग तरीके से दिखता है, अलग तरीके से काम करता है, बेटर एल्गोरिथम है, बेटर यूजर इंटरफेस है। पहले आप अपने ड्राइवर से चैट नहीं कर सकते थे, अब चैट कर सकते हो। पहले अपने ड्राइवर को आप इंटरनेट से कॉल नहीं कर सकते थे, अब इंटरनेट से कॉल कर सकते हो। पहले आपका ड्राइवर आता था आपको खोजते रहता था, आप अभी अपने अपने आप अभी अपने इसमें लाइट ऐसे करके जला सकते हो, अपने ड्राइवर को दिखा सकते हो, देखो भैया हम यहां पे हैं, राइट। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस अपने ऐप में किए हैं। तो कंटिन्यूअस अपने ऐप को आप इंप्रूव करते रहिए, नई नई चीजें ऐड करते रहिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोग कहीं पे भी फंसे, सपोर्ट आपका अच्छा होगा, प्रोडक्ट अडॉप्शन अच्छा होगा। सपोर्ट जितना आप लोगों को कर सकते हैं उतना आप सपोर्ट कीजिए, जिस हद तक कर सकते हो उस हद तक कीजिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि वही कस्टमर आपके अगले कस्टमर को बनाएंगे। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट को अडॉप्शन को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने के लिए, अपने आपको ब्रांड बनाने के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोडक्ट अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा। और मेरा हम लोग का एक यूट्यूब में चैनल है अपस्किल करके UPP है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।